को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के 90 परसेंट लोगों की हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाले और उनके ज्ञान का रास्ता खोलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय संघ मंच पे आसीन राजरतन रत्न अम्बेडकर जी सुभचन राम जी अनिल जी टक्साले जी और सभी प्रमुख अतिथिगण सभी धमोपासक उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए लगभग पांच छह घंटे से आप लोग बैठे हैं वास्तव में आपके इस धैर्य के लिए तो हमें नतमस्तक होना चाहिए एक सैल्यूट आप सबके लिए जिस समाज के अंदर धैर्य होता है उस समाज को कोई हरा नहीं सकता हमारी दो बच्चियों ने इतना सुंदर भाषण दिया मैं सोच रहा था कि जो बातें हम करना चाह रहे थे वो तो दोनों बच्चियों ने कर दी क्या हमारे बोलने के लिए कुछ बचा है फिर भी कुछ छूटा तो सुबचन राम जी ने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया मैं तो आप सबको यह कहना चाहता हूं होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए आज हमें एक बात को सोचकर चिंता पैदा होती है और चिंता इस बात को सोचकर पैदा होती है कि हमारे समाज के हजारों साल तक गुलामी क्यों चली हमारे समाज के लोग दलित पिछड़े आदिवासी लगभग तीन साढ़े तीन हजार साल तक गुलाम क्यों रहे ऐसे कौन से कारण थे ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे आजाद हों हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हमारे बच्चे भी ज्ञान अर्जित करें हमारे लोग भी शासक बने हमारे लोग भी पूरे प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदार बने हमारे लोगों का भी मान सम्मान हो हमारे लोग भी स्वाभिमान के साथ जी सके ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ना चाहा हो तो फिर कौन से कारण हैं कि हमारे समाज के लोग लगभग तीन साढ़े तीन हजार साल तक गुलाम रहे हमारे इतने लंबे समय तक गुलामी के कारण क्या है अगर मैं इन गुलामी के कारणों को ढूंढने का प्रयास करता हूं तो मुझे मुख्य रूप से दो कारण नजर आते हैं पहला कारण ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिन्होंने हमारे समाज के पढ़ने लिखने पर ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगाई और इसके साथ साथ संपत्ति अर्जित करने पर मानवता का दर्जा प्राप्त करने पर बंदिश लगाई जिसकी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए और इसके बारे में बड़ी सुंदर बात ज्योतिबराव फूल जी ने कही है ज्ञान बिना मती गई मति बिना नीति गई नीति बिना गति गई गति बिना धन गया धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए यानी ये जो नुकसान हमारे समाज का हुआ ये जो हमारे समाज के लोग लगभग तीन साढ़े तीन हजार साल तक गुलाम रहे इसका केवल एक ही कारण था कि हमारे लोगों के ज्ञान अर्जित करने पर एक धार्मिक बंदिश थी लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए नतमस्तक होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जिन्होंने ना केवल हमारे हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया बल्कि हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए और रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी के संपत्ति के और राजनीति में आकर ग्राम प्रधान जिला पंचायत नगर निगम काउंसलर एम पी एम एल ए और मंत्री बनने के रास्ते बनाए लेकिन आज चिंता इस बात की है कि हम जो थोड़े बहुत आगे बढ़े वो उन अधिकारों की वजह से बने जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिए लेकिन क्या वो अधिकार सुरक्षित हैं क्या सरकारों ने साजिश के तहत दोबारा से वो अधिकार छीन ना लिए क्या उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा नहीं कर दिया कि अब हमारे लोग हमारे बच्चे आने वाले समय में हायर एजुकेशन में पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हायर एजुके, एजुकेशन का खर्चा लाखों रुपए में है और हमारे निन्यानवे परसेंट लोगों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों के लाखों रुपए का पढ़ाई का खर्चा उठा सकें मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं इसका मतलब हमारी पढ़ाई का रास्ता दोबारा से साजिश के तहत खुद सरकारों ने बंद कर दिया हमारे एक समाज के महान नेता मानवर कांसी साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और अभी हमारी बेटिया ने अपने भाषण में कहा जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यह बात आज सच साबित हो रही है सोच के देखो जब भारत आजाद होने वाला था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे संविधान सभा के सामने जब यह प्रश्न आया कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं हमें अपनी सरकार चुननी है तो सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य ये चाहते थे कि जो इनकम टैक्स पे ही है या जो बड़े जमींदार हैं या जो ग्रेजुएट हैं केवल उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सोचा कि इन धार्मिक बंदिशों की वजह से हजारों साल तक हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी जिसके वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए तो ग्रेजुएट कहां से होते हमारे लोगों के व्यापार करने पर संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी तो हमारे लोग व्यापारी कहां से होते इनकम टैक्स इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते जमींदार कैसे बनते इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य हमारे लोगों को वोट का अधिकार भी देने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपनी विद्यता से अपनी काबिलियत से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वोट का अधिकार सभी को समान रूप से मिलेगा चाहे अमीर हो या गरीब हो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो लेकिन कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें वो वोट का अधिकार दिया और हम लोगों ने उस वोट के अधिकार की कीमत को समझा नहीं हम लोग शराब की बोतल में हजार दो हजार रुपए में दस पांच किलो अनाज में अपने इस वोट के अधिकार को बेच रहे हैं और ऐसी सरकारों को चुन रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन दोबारा से भारत में लाना चाहते हैं क्या आप लोग दोबारा से भारत में बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके क्या मनुस्मृति का शासन चाहते हैं क्या क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे दोबारा से गुलाम हो जाए क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों के पढ़ने का अधिकार फिर से छिन जाए तो फिर लड़ने की तैयारी करो होके मायूस नए शाम से ढलते रहिए यह वाली बात तो पहले कही अब दूसरी बात कह रहा हूं यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी इस दौर में अगर जीना है तो कह राम मचा दो जंग का ऐलान हो चुका है एक वो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज को जाति और धर्म में बांटती है जो किसी को जन्म से नीच बनाती है किसी को जन्म से ऊंच बनाती है जो मुठ्ठी भर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का मालिक बनाती है वो व्यवस्था बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति भारत में दोबारा से लाना चाहती है एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था है जो समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञा सील, करुणा और मैत्री पर आधारित है जो भारत में बाबा साहेब के संविधान से बनी है जो भारत के हजारों करोड़ करोड़ों करोड़ों लोगों की गुलामी को दूर करके भारत को विकास के रास्ते पर लेकर आई है अब आपको तय करना है दोनों में से एक रास्ता एक रास्ता हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को अंधकार में गुलामी की तरफ लेकर जाता है और दूसरा रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया रास्ता है जो हमारे आने वाले बच्चों के जीवन में विकास लाता है हमारे जीवन में प्रकाश लाता है हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति लाता है मानवता का दर्जा दिलाता है स्वाभिमान का जीवन देता है अब आपको तय करना आपको कौन सा रास्ता चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का रास्ता चाहिए या गुलामी का रास्ता चाहिए बाबा साहेब अंबेडकर का रास्ता तो त्याग और तपस्या का और बलिदान का है क्या आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं? तो लड़ने की तैयारी कीजिए यह लड़ाई तीर तलवार की नहीं है यह लड़ाई हथियारों से औजारों से नहीं लड़ी जाएगी यह लड़ाई विचारधारा की है एक विचारधारा विषमता पर आधारित है अन्याय पर आधारित है मनुस्मृति पर आधारित है और दूसरी विचारधारा जो समता पर न्याय पर करुणा पर मैत्री पर आधारित है एक तरफ मनुवाद है और दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है कौन सा रास्ता चुनोगे जो लोग अंबेडकरवाद का मानवतावाद का न्याय का रास्ता चुनने चुनना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करेंगे तो न्याय की लड़ाई को जीतने की तैयारी करो लंबा भाषण देने की मुझे जरूरत नहीं है लोग मुझे कह रहे हैं कि तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया मंत्री पद से अरे ये कुर्सी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की दी हुई है बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी हजारों कुर्सी कुर्बान है और ये कुर्सी छोटी चीज है अगर बाबा साहेब की दी हुई इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने जान की कुर्बानी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं आजकल कुछ नकली साधु महात्मा पैदा हो गए नकली संत हर रोज लोगों की गर्दन काटने पर करोड़ रुपए का पचास लाख रुपए का दस करोड़ का इनाम घोषित कर रहे हैं ऐसे नकली संतों को मैं कह देना चाहता हूं हजार हराम का खा खाकर तुम्हारे पेट मोटे हो गए हैं यह समाज तुम्हें उसी जगह पहुंचा देगा जहां से तुम आए हो तुम चू चोर और लुटेरे हो तुम देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद पैदा कर रहे हो देश में अन्याय पर आधारित व्यवस्था बनाना चाहते हो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हो अमानवीयता को दोबारा से भारत में लाना चाहते हो प्रगति के रास्तों को बंद करना चाहते हो भारत को फिर से अंधकार में ले जाना चाहते हो अब भारत के लोग समझदार हो गए हैं भारत फिर से अंधकार की तरफ नहीं जाएगा तथागत बुद्ध ने भारत को प्रकाशित कर दिया प्रकाशमान कर दिया अब हम इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाएंगे ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल भारत को नहीं पूरे दुनिया को बचाएंगी यही बाईस प्रतिज्ञाएं भारत को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगी अब तो कोने कोने में गांव के ये बाईस प्रतिज्ञाएं होंगी आने वाले समय में, में भारत चल पड़ा है अब बुद्ध की ओर अब भारत चल पड़ा है बुद्ध की ओर बुद्ध की ओर चलने का मतलब है समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञा करुणा और मैत्री पर आधारित एक ऐसा समाज जहां सब लोग बड़े प्यार के साथ शांति के साथ आपस में प्यार बांटते हुए एक दूसरे के सम्मान करते हुए एक दूसरे के अधिकार की इज्जत करते हुए अपने देश को भारत को प्राथमिकता देते हुए चूंकि हमें सबको ये स्वीकार करना चाहिए हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय हैं जाति और धर्म पे जाति और धर्म पर जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं ब्राह्मण हूं इस बात पे गर्व है अरे गर्व ही करना तो भारतीय होने पर करो अन्याय गर्व करने की चीज नहीं है विषमता गर्व करने की चीज नहीं है शोषण गर्व करने की चीज नहीं है मानवता और न्याय गर्व करने की चीज है तो भारत पे गर्व करो भारतीय होने पर गर्व करो इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आप वैसे ही पांच छह घंटे से बैठे हैं मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा वरना चालीस पचास मिनट लगते हैं अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने में मैं बस इतना कहना चाहता हूं ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की है फिर से गुलामी स्वीकार नहीं है हम लोग मर सकते हैं लेकिन दोबारा गुलाम नहीं बन सकते और ऐसी व्यवस्था जिसने कुछ ही लोगों को औजार हथियार रखने का अधिकार दिया जिसकी वजह से बाकी लोगों को न उजार हथियार रखने का अधिकार दिया न पढ़ने का ज्ञान का अधिकार दिया इसी वजह से भारत हजारों साल गुलाम रहा चूंकि अब तथागत बुद्ध का ज्ञान और बाबा साहेब का मार्गदर्शन हमें मिल चुका है तो अब फिर से भारत को हम लोग गुलाम तो नहीं होने देंगे इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम जय भारत नमो बुधाए